हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं हीरो मोटो के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 5 अप्रैल 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन यानी कि हमें जो है मंडे के दिन 3.57% का पॉजिटिव क्लोजिंग देखने में 24.31.10 पे क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे जो है मंडे के क्लोजिंग है वैसे वेनेसडे को स्टॉक में क्या देखना जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए बिना समय का सीधा जाते हैं, बात करते हैं यहाँ पे वनडे के चार्ट में आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा हमें जरूर वॉल्यूम देखना। कैंडल यहाँ पे मीडियम टू स्मॉल साइज की ने दोनों के समय छोटी छोटी विक हमें देखने मिल रही है। आरएसआई की बात करें तो 53-54 के आसपास आ चुका है जो स्लाइड नेगेटिव मूवमेंट का हमें जरूर इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें। तब अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक पॉजिटिव मोमेंट का है। एक्सपेक्टेड सबसे पहले मैं डाउनसाइड जो है, लेकिन उससे पहले देखने मिले तो डाउनसाइड सबसे पहले यहाँ पे मैं 24.12 के आसपास आते हुए देखने मिल सकता है। वहाँ से फिर हमें एक रिवर्स में स्टॉक आते हुए देखने मिला अराउंड 24.45 का, उसको भी क्रॉस करते गया तो स्टॉक में अपसाइड मूव जो है वो हमें 24.85 तक आते हुए देखने मिल सकता है। जरूर जब चीज़ को ध्यान में रखते हुए चले। बाकी स्टॉक में ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है तो नेगेटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करनी तो स्टॉक अभी भी आपको 2482 के ऊपर अगर 2 दिन तक सस्टेन करते हुए देखने मिले जरूर जब वहाँ पे बाइंग करें, वहाँ से आपको 5-10% का इजिली अपसाइड मूव जो है 10-15 ट्रेडिंग डेज के अंदर आते हुए देखने मिल जाएगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी करंट प्राइस में रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं तो कहूँगा स्टॉक का आप आराम से गिरने दे। स्टॉक अभी भी आपको जो है अराउंड 2182 के आसपास आते हुए देखने मिले जरूर जब वहाँ पे बाइंग करें, बहुत ही बढ़िया बाइंग का लेवल है। लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म का लेवल है तो आपको 100% कैपिटल नहीं डालना है, 20-25% तक आप कैपिटल डालें, बाकी आप कैपिटल आप होल्ड करके रखें। जब भी एडिशनल डाउनफॉल आपको 10-20% का देखने मिले तब आप वहाँ पे एडिशनल बाइंग करें। याद रखना एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा अपना बाइंग एवरेज प्राइस को कम करने में, और जितना बाइंग एवरेज प्राइस आपका लॉन्ग टर्म के लिए कम होगा उतना ही बढ़िया प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। बाकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वनआर के चार्ट में बात करते हैं वेनेसडे के दिन क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे वनआर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, ऑलरेडी सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस ऐसा यहाँ पे मार्क्ड है। जरूर यहाँ पे एक डिफरेंट डेटा बना उसको मैं मार्क करके रख देता हूँ। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। क्लोजिंग की बात करूँ तो 24.31 के आसपास क्लोजिंग हुई, डायरेक्ट सपोर्ट आता है 24.24 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 24.36 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते जो अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज़ समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की तो मेरे ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और 2 रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट क्या अगला सपोर्ट आता है 24.14 का, उसके बाद 23.98 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 24.53 का, उसके बाद क्या 24.71 का। तो यहाँ पे मैंने जो 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो यानी कि वेनेसडे के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में मंडे के क्लोजिंग के बेसिस पे वेनेसडे के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर एक गैप अप ओपनिंग का है। इस रेंज में ऊपर के साइड में स्टॉक आते हुए हमें देखने मिल सकता है, एक तरह से न्यूट्रल सी यहाँ पे जो है हमें नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन, थोड़ी सी स्लाइट एक नेगेटिव हम क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेनेसडे के दिन। बाकी किस तरह का वॉल्यूम हो यहाँ पे जो सेलिंग का रह सकता है ऊपर आने के बाद वो हमें जरूर देखना है, लेकिन ओवरऑल एक नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में हमें क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन है। आपको क्या लगता है यहाँ पे वेनेसडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।